और भाई लोग, क्या हाल चाल। जैसा कि प्रॉमिस था, जो मेरा सिस्टम है, अगर आप यहाँ देखें कचड़े के बीच में, तो इसका फाइनल अपग्रेड अब मेरे पास आ चुका है एंड इट्स हियर इन दिस बॉक्स। सो लेट्स अनबॉक्स RTX 2060, जो कि अभी अभी कुछ 10-15 मिनट पहले ही मेरे पास डिलीवर हुआ है। अब क्योंकि ये मेरे हाथों से नहीं खुलेगा तो मुझे सीजर यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये अच्छा खासा ग्लू लगा हुआ है इसमें, सो आई कैन नॉट डू दैट। लेट्स होप कि कोई ब्रेकेज ना हुआ हो इसमें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं बहुत दिन से इस ग्राफिक कार्ड का वेट कर रहा हूँ और फाइनली एनवीडिया के पास जब ये स्टॉक पे आया, उसके लॉगिन इश्यूज चल रहे थे। अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे फेसबुक पे तो आपको पता होगा कि मैंने वहां पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला था, और बट वो रिजॉल्व हो गया, और रिजॉल्व होने टाइम तक कम से कम वो स्टॉक पे रहा। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। मुझे लगता है मैंने उल्टे साइड से इसे खोल दिया है। लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस अप। बहुत ही भारी कार्ड है यार, लिटरली पैकेजिंग में बहुत ही, अगर हम देखें तो कार्डबोर्ड जो है इसका, तो कार्डबोर्ड जो है इसका वो नॉर्मल सा है, कोई हार्ड कोर कार्डबोर्ड है नहीं। क्योंकि ये दिल्ली से ही डिलीवर हुआ है, दिल्ली से ही डिलीवर हुआ है तो इट इज़ एक्चुअली वेरी सेफ। बहुत पास से डिलीवर हुआ है मेरे लिए ये, वरना अगर ये दूर से डिलीवर हुआ होता ऑब्वियसली इसकी टॉसिंग बहुत हुई रहती ऑन द वे। बट अब मैं इसको टॉस करता हूँ लाइक दैट, अब बारी आती है कार्ड की। सो प्लास्टिक रैप। ओह, वी गॉट द फ्रंट, दैट्स द फ्रंट ऑफ द कार्ड। और इसके साथ मुझे एक बिल भी मिला है, जो कि है आर्पिटेक इंडिया की तरफ से, जो कि इंडिया में फिलहाल एनवीडिया के कार्ड्स, फाउंडर एडिशन कार्ड जो है वो सप्लाई करता है। सो आई एम गोना पुट इट अराउंड हियर। और अब कैमरामैन आज मेरे साथ है मिस्टर राम, जो कि मेरी हेल्प कर रहे हैं इस अनबॉक्सिंग वीडियो को बनाने में, एंड आई एम गोना ओपन इट। बट इसमें स्टिकर लगा है दोनों साइड पे, सो लेट्स ओपन दैट फर्स्ट। ओके, आई विल यूज दिस स्टिकर्स। पेशेंटली प्लीज। काटना ही पड़ेगा लगता है, जितना चीजों को संभाल के करने का सोचो उतना चीजें गड़बड़ होती हैं। ओके, दैट्स वन टेप डाउन, दैट्स द सेकेंड टेप, एंड लेट्स ओपन इट। ड्रम रोल्स। And there it is, guys. The RTX 2060 that I have bought after 2 years of working and saving all the money that I could. That's the card, guys. अभी इसमें एक स्टैटिक प्लास्टिक की रैपिंग है, तो मैं इस रैपिंग को ओपन नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी मेरे को इसे अंदर लगाना है। सो आई विल टेक माई टाइम। एज यू कैन सी, दिस इज द PCI थिंग। We have an HDMI, we have two display ports and one DVI, and we also have USB 3.0 in here, जो कि मुझे नहीं पता था कि होना चाहिए। So that's a new addition. Well, मेरे पास शायद DVI कनेक्टर का मॉनिटर है, so ये काम कर जाएगा, मुझे HDMI की जरूरत नहीं पड़ेगी। That's great. Next update will be, I guess, the monitor in our system. But यहाँ तक हमारा CPU अब complete हो चुका है। After this card goes in, the CPU will be completed, और इसके साथ ही, ओ, इसमें 8 पिन चाहिए। देखना पड़ेगा मेरे पास 8 पिन पावर कनेक्टर है या नहीं बचा हुआ। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं आई विल मेक श्योर कि अब मैं कुछ अच्छे गेम्स के साथ अपने चैनल आई एम रेड पे लाइव आऊं, एंड वी विल ऑब्वियसली प्ले गुड गेम्स गाइज, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें इस कार्ड के साथ मुझे मिली है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इस बार खुद कैमरामैन नहीं हूँ, मेरे साथ एक और बंदा है जो कि कैमरा के लिए मेरे को हेल्प कर रहे हैं. इनका नाम है राम, ही इज माई कलीग एक्चुअली. सो थैंक्स राम फॉर कमिंग हियर एंड हेल्पिंग मी आउट. एंड प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत बहुत रंग लाई है, एंड सब्सक्राइब किसी भी न्यू कंटेंट के लिए. सो बाय बाय. बेल आइकन दबाना मत भूलना.